माफ करेगा अंकित। और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या इस पूरे मामले पर आपने प्रशासन से अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? मनीष आपको बता दें, विजुअल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कन्नौज जिला प्रशासन जो है सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा ही रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनके साथ भी जान से खिलवाड़ हो रहा है। किस तरीके से आप विजुअल में देख सकते हैं कि ये ट्रकों पे सवार, छत पे सवार होकर ये यात्रा कर रहे हैं। अगर इस बीच में कोई घटना दुर्घटना अगर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन हाईवे पे हाईवे की पुलिस रहती है और जिला प्रशासन की भी पुलिस रहती है, लेकिन इस पूरे मामले पे किसी ने रोकने को या उनको रोक के क्वारंटाइन किया जाए, उनकी कोई जाँच कराई जाए, उनको कुछ व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। खुले ट्रकों पे सवार होके यात्री अपना सफर तय कर रहे हैं, जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, कन्नौज की ये तस्वीरें हैं, लगभग ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से निकल करके सामने आ रही हैं। और वहीं विश्व भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, 41,81,000 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। विश्व भर में 2,83,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो यहां पर 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 13 लाख